फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो आपको पता है बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, एक खासियत है कि आज हम इसको बिना मावे के तैयार करेंगे और फटाफट ये कुछ ही समय में हम इनको तैयार करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बिना मावे के गुलाब जामुन सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले लूंगी आधा कप दूध, मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप मिल्क पाउडर। इस मिल्क पाउडर को भी हम दूध में डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें मिल्क पाउडर को मिलाते रहना है, नहीं तो नीचे लगने लग जाएगा। इसको गाढ़ा होने तक हम अच्छे से पकाएंगे। देखिए, गाढ़ा होने लग गया है। इसमें मैं आधा कप घी भी डाल दूंगी, यानी 3 बड़े चम्मच। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल मावे की तरह ये तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, बिल्कुल मावे की तरह तैयार हो गया है। देखिए, लुकिंग में भी एकदम मावे की तरह ही लग रहा है। गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने तैयार किया हुआ मावा बड़े बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया है। आप परात या थाली किसी में भी ठंडा होने रख सकते हैं। आइए, जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। इसमें मैं 600 ग्राम चीनी डाल दूंगी, यानी कि 3 कप। हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। बॉईल होने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बॉईल होने लग गई है, चीनी भी घुलने लग गई है, पर चाशनी का प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है। तो हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको बॉईल होने देंगे। फिर चाशनी में हम दूध डालते हैं तो दूध फट जाता है, इससे चाशनी एकदम साफ हो जाती है। फ्रेंड्स, देखिए, चाशनी में जो मैल होता है, जो गंदगी होती है, वो एकदम साइड में आ गई है। हम उसको ऐसे जालीदार चम्मच से बाहर निकाल लेंगे। चाशनी एकदम साफ हो गई है। चीनी भी बहुत अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन की चाशनी है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे, तो इसे हमें 2 से 3 मिनट ही पकाना है।
फ्रेंड्स चाशनी में मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 3-4 इलायची पीस ली हैं, इलायची पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी हम केसर की पत्ती भी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट में। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच रोज़ वाटर डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं लिया है रोज़ वाटर को। चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और आप चाहें तो चाशनी को ढक कर के रख दें ताकि चाशनी गर्म रहे। फ्रेंड्स चाशनी को हमने ढक कर के रख दिया है, मावा ठंडा हो गया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। आइए अब हम गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 4 बड़े चम्मच मैदा डाल दूंगी। इसमें मैंने 3-4 इलायची का पाउडर बारीक पीस लिया है, वो भी डाल दिया है, और 3/4 चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। फ्रेंड्स हमें बेकिंग सोडा यूज़ में नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर यूज़ में लेना है। 3/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मैदा को मावे में मिक्स कर लिया है, अब हम इसको हाथ से लगाएंगे, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं हमें उसी तरह से इसको तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है, हमें चम्मच से नाप करके ही पानी डालना है, पतला नहीं हो जाए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसे हमें बहुत अच्छे से मत लेना है फ्रेंड्स, बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए ये। अभी हम इसमें 1 चम्मच पानी और डाल देंगे। और बिल्कुल चिकना होने तक कम से कम 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से मत लेंगे। फ्रेंड्स देखिए गुलाब जामुन का आटा हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, बहुत अच्छे से मथ लिया है, एकदम सॉफ्ट है। आइए अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। आप जिस साइज़ के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसके पीस कर लें। मैं यहाँ पे बिल्कुल मीडियम साइज़ के पीसेस कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने सभी पीस एकदम बराबर बराबर कर लिए हैं, 17 या 18 पीस मेरे तैयार हुए हैं। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेंगे। मैंने एक पीस हाथ में ले लिया है और इसको हम बिल्कुल प्रेशर लगा के बहुत अच्छे से, देखिए ताकत लगा करके दोनों हाथों से इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे, ये सॉफ्ट होता चला जाएगा और बिल्कुल गुलाब जामुन की शेप में गोल हो जाएगा। अभी हमें इसको बहुत अच्छे से प्रेशर लगाना है। देखिए बहुत अच्छा और एकदम गोल हुआ है। इस तरह से हम सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए इस तरह से हमें दोनों हथेलियों से प्रेशर लगाना है, जितना प्रेशर लगा के हम इसको रोल करेंगे उतना ही बढ़िया सॉफ्ट एकदम गुलाब जामुन तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स दूसरा पीस भी हमने तैयार कर लिया। इस तरह से हम सभी पीसेस को तैयार कर लेंगे। सभी गुलाब जामुन बनके रेडी हैं, आइए अब हम इसको तल लेते हैं।
फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि थोड़ी मोटी होती है लोहे की कढ़ाई, इसलिए मैंने इसमें घी गरम होने रख दिया है। और हमें घी को बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, सिर्फ इतना सा गरम करना है कि हमारी उंगली इसमें चली जाए। अब मैं इसमें गुलाब जामुन डाल दूंगी। हमें सारे गुलाब जामुन नहीं एक साथ डालने हैं, हम इसमें 4-5 गुलाब जामुन से ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अब इसको धीरे धीरे इनको चम्मच से आप इस तरह से करते रहें। फ्रेंड्स गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। और सभी गुलाब जामुनों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने गैस के फ्लेम को एकदम कम कर दिया है, अब हम इसको एकदम स्लो गैस पर ही फ्राई करेंगे। देखिए अच्छा कलर आने लग गया है गुलाब जामुन का, पर अब हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे। बहुत ही हिफाजत से हमें इन गुलाब जामुन को फ्राई करना है, टूटने नहीं चाहिए। देखिए कलर भी आने लग गया है गुलाब जामुन का, बहुत बढ़िया लग रहे हैं लुकिंग में। फ्रेंड्स सभी पीसेस को मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूंगी। देखिए लुकिंग में बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं। और इसको हम चाशनी में डाल देंगे। इन्हें हमें अच्छे से डिप कर देना है। देखिए फ्रेंड्स गुलाब जामुन का साइज अपने आप बढ़ करके बड़ा हो गया है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। अच्छे से इनको डिप कर देंगे और वापस ढक देंगे। जब तक ये चाशनी में अच्छे से डिप होते हैं तब तक हम बाकी के गुलाब जामुनों को ही फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स सेकेंड राउंड भी सिक करके तैयार हो गया है। हम सभी गुलाब जामुन को निकाल लेंगे और वापस चाशनी में इनको हम डाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और सब बहुत बढ़िया से सिक गए हैं। फ्रेंड्स सभी गुलाब जामुन हमने तैयार कर लिए हैं और चाशनी में हमने डाल दिया है। इनको बहुत अच्छे से हम डिप कर देंगे ताकि अच्छे से मीठे हो जाएं। और कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इनको चाशनी में ही रहने देंगे ताकि बहुत अच्छे से अंदर तक इनमें मीठा रस आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन बनाते समय बीच में केसर इलायची और पिस्ता भी रख सकते हैं ताकि केसर पिस्ता के गुलाब जामुन तैयार हो जाएं। हमने यहाँ सिर्फ सिंपल गुलाब जामुन तैयार किए हैं। देखिए सबको मैंने बहुत अच्छे से चाशनी में डिप कर दिया है। कम से कम हम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं, हमने सर्व भी कर दिए हैं। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।